नमस्कार दोस्तों मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूँ आज आपका केमिस्ट्री का पार्ट एटीन है तो पार्ट एटीन में हम लोग आज देखेंगे बी एमसीक्यू आई एम सी क्यू तो जो लोग पिछली क्लास नहीं देखें जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है और प्लेलिस्ट में आपका जाकर देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा और आपको जैसा कि पता है कि आज शाम छः बजे आज शाम छः बजे जो है वो लाइव क्यूज चलेगा और क्यूज का जो आंसर आपको देना है बिल्कुल ध्यान से सुनना क्यूज का जो आंसर देना है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है लाइव चैट में नहीं देना है लाइव चैट में दोगे तो वो काउंट करने में बाद में प्रॉब्लम हो जाती है तो जब क्यूज सेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद आपका काउंट कर लिया जाएगा कॉमेंट बॉक्स से ध्यान रखेंगे लाइव के टाइम जिनका कॉमेंट होगा उसी को कॉमेंट में काउंट किया जाएगा और उसी को विजेता घोषित की जाएगी ठीक है बाद में तो भी आंसर तो उसी में बता दूंगा तो बाद वाले कॉमेंट को शामिल नहीं किया जाएगा तो जो कमेंट में सबसे ज्यादा जिनका राइट आंसर होगा, कल की क्यूज में उनका नाम बता दिया जाएगा, किनका जो है सबसे ज्यादा राइट आंसर हुआ है ठीक है और ये क्यूज जो है वो कंटिन्यू आपका एग्जाम तक चलेगा अभी सभी सब्जेक्ट का मैं करवा दूंगा क्यूज तो बस आप लोग लाइव क्यूज में पार्टिसिपेट करना जिससे जो हो सकता है क्योंकि लाइव क्यूज का ही आपका व्यूज जो है वो काउंट होगा और वहाँ पे कमेंट जो है वो भी काउंट होंगे लाइव क्यूज में कितने कमेंट आए हैं ठीक है तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं सभी को बता दीजिएगा शाम छः बजे की क्लास के बारे में कि लाइव क्यूज शाम छः बजे डेली होगा आज से नेक्स्ट है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है निम्न क्रमबद्ध प्रतिक्रिया में एक्स क्या है ठीक है यानी कि जब टर्टल <coughs> तो यहां पे देखिए कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ठीक है ये आपका रिएक्शन दिया गया है और बोल रहा है इन द रिएक्शन सिक्वेंस टर्ट व्यूटाइड तो इसमें क्या होगा एक्स क्या होगा तो इसका राइट right आंसर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इसका राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट है एल आई एल एच फोर द्वारा इनमें से कौन अपकृत नहीं होगा विच विल बी नॉट रेड्यूस्ड बाई तो इसका राइट right आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट right आंसर हो जाएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर एक कार्बनिक यौगिक विक्टर मेयर जांच में खून के जैसा लाल रंग उत्पन्न करता है यौगिक को कॉपर नली से 300 डिग्री सेल्सियस पे प्रवाहित किया जाता है तो उत्पन्न यौगिक क्या होगा एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स ब्लड रेड कलरेशन विद विक्टर मेयर टेस्ट व्हेन दिस कंपाउंड वेपर इज पास थ्रू क्यू ट्यूब एट 300 डिग्री सेल्सियस

नेक्स्ट है टॉलर अभिकारक का उपयोग जांच के लिए किया जाता है टॉलेंस रेगमेंट एज यूज फॉर डिटेक्टिंग क्या डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एल हाइड नेक्स्ट है डिटॉल में क्या होता है डिटॉल कंसिस्ट ऑफ डिटॉल में क्या होता है डिटॉल कंसिस्ट ऑफ इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ठीक है क्लोरोजाइनॉल और टर्पिनॉल ठीक है ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट है बहुलक टेफ्लोन किस एकलक से बना है टेफ्लॉन इज अ पॉलीमर ऑफ द मोनोमर क्योंकि सभी क्वेश्चन भी आई है तो यहाँ पे अलग से बताने की जरूरत है नहीं टेफ्लन बहुलक किस एकलक से बना है टेफलन बहुलक जो बना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी अगला क्वेश्चन है इसमें एक्स क्या है ठीक है यहाँ पे भी अभी कारक दिया गया है अभी क्रिया दी गई है और पूछा जा रहा है कि एक्स क्या है द कंपाउंड एक्स एज यहाँ पे हम लोग राइट आंसर देख लेंगे कि राइट right आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट right आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इन है इनमें से किसके द्वारा आंख के लेंस का उत्पादन किया जाता है इनमें से किसके द्वारा आंख के लेंस का उत्पादन किया जाता है तो इसमें आंख का लेंस का उत्पादन किया जाता है ठीक है आंसर होगा पी एम एम ए पी एम एम ए आई लेंस आर मैन्युफैक्चर बाई जो लोग अभी लाइव जुड़ रहे हैं उन्हें मैं फिर से बता दूँ कि आज शाम के छः बजे आज शाम के छः बजे क्यूज होगा लाइव क्यूज होगा और उसमें आपको आंसर जो है वो लाइव चैट में नहीं देकर कॉमेंट बॉक्स में देना है कॉमेंट बॉक्स में जिनका भी आंसर दिया जाएगा लाइव के दौरान जब वीडियो लाइव रहेगी जब क्लास लाइव होगी उस टाइम जो कमेंट करेंगे उनका कमेंट को काउंट किया जाएगा और देखा जाएगा कि कौन से कैंडिडेट ने ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं और उनका नाम जो है अगले क्यूच में दिखाया जाएगा इससे होगा कुछ नहीं इससे यह होगा कि आपका एग्ज़ाम की तैयारी के प्रति फोकस जो है वो बढ़ेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर पाओगे तो कोशिश करना कि मेरा नाम वहाँ पर आए और आपको आज जो जिनका नाम ज़्यादा क्वेश्चन सही करेंगे उनका नाम कल की क्विज में लिया जाएगा और अगर कंटिन्यू ये दस टेन टाइम्स ऐसा वो कर देते हैं तो उनको मेरे तरफ से फोन पे के थ्रू आपको इनाम दिया जाएगा आपसे फ़ोन पन... पर फ़ोन पे नंबर लिया जाएगा और फोन पे से मैंने ट्रांजैक्शन कर दी जाएगी आपके अकाउंट पे या फोन पे नंबर पे अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एक चीज़ और कि बाद में जो कमेंट करेंगे उनका नाम इसमें शामिल होगा या नहीं तो बाद में जो कमेंट करेंगे उनका नाम नहीं लिया जा सकता क्योंकि बाद में तो आंसर तो उसी में मैं रिवील कर दूंगा तो आंसर तो उसी पता चल जाएगा तो वो देख कर भी दे सकते हैं कैसे पता चलेगा ठीक है ना तो लाइव में ही क्यूज क्यूज जो है वो लाइव ही खेला जाता है तो लाइव लोग जितने पढ़ने वाले होंगे कोई भी काम हो किसी भी काम हो काम को बाद में कीजिएगा शाम के छः बजे लाइव क्यूज में ज़रूर से ज़रूर आइएगा ठीक है सभी सब्जेक्ट में मैं क्यूज वहाँ पे करूँगा और अभी से लेकर जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक, तक आपका क्यूज चलता ही रहेगा और सब्जेक्ट का ठीक है बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर डॉटनेट बच्चों आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है बस आपको इस क्वेश्चन का फोटो लेना है क्वेश्चन को क्रॉप करना है और पाँच सेकेंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो सी बी एस ई बिहार यूपी महाराष्ट्र राजस्थान एम पी किसी अन्य बोर्ड का हो चाहे आई आई टी सी नीट या क्लास सिक्स से बरहमी का सवाल हो इन सब का जवाब डॉटनेट ऐप पर या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ साइंस आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डॉटनेट साथ ही डॉटनेट पर क्लास नौवीं से बरावी के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस यानी आप पूरी पढ़ाई होगी डॉटनेट ऐप पर तीन करोड़ से ज्यादा बच्चे डॉटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप भी जाइए और डॉटनेट ऐप को इंस्टॉल कीजिए नीचे व्हाट्सएप ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिए या व्हाट्सएप ग्रुप में प्रॉब्लम होती है ज्वाइन करने में तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिए वहाँ से भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा इनमें से कौन यौगिक जो है कैनिजारो प्रक्रिया नहीं दिखलाता है ठीक है विच कंपाउंड डजेंट परफॉर्म कैनिजारो रिएक्शन अमंग तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कौन योगी गर्म करने पर रंगहीन गैस नहीं देता है विच कंपाउंड गिव कलरलेस गैस ठीक है विच कंपाउंड गिव कलरलेस गैस तो राइट आंसर विल भी ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट right आंसर हो जाएगा एन ए एन ओ थ्री नेक्स्ट है अमोनिया गैस जलीय सीओ एसओ फोर के घोल में प्रवाहित करने पर गहरा नीला रंग उत्पन्न करता है और गहरा नीला रंग का अनुसूत्र क्या है अमोनिया गैस इज पास थ्रू एक्वस सीओ एसओ फोर सोल्यूशन डीप ब्लू कलरेशन द मॉलिक्यूल फार्मूला ऑफ फॉर्म डीप ब्लू कलरेशन इज राइट आंसर right यहाँ पे क्या होगा तो इसका राइट right आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी बढ़ते हैं अगले की और, अगला है, को के से प्रवाहित करने पर प्राप्त यौगिक है को तनु के घोल से प्रवाहित करने पर कैसा यौगिक प्राप्त होता है क्लोरीन गैस पास थ्रू डिल्यूट एनओ एच सोलूशन द कंपाउंड फॉर्म आर द कंपाउंड फॉर्म आर तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर सोडियम को अमोनिया गैस के साथ गर्म करने पर उत्पन्न यौगिक क्या है सोडियम इज हीटेड विथ अमोनिया गैस द प्रोड्यूस्ड कंपाउंड इज तो 14 का राइट आंसर यहां पे हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी एन एन एच टू एन ए एन एच टू अगला क्वेश्चन देखते हैं तो आज के लाइव की जो है मैं कितना का उम्मीद रखू कितने लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो मैं जानता हूँ कि बहुत ज्यादा लोग पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं रखते हैं तो फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि मिनिमम हंड्रेड लोग तो लाइव क्यूज़ में जरूर होंगे शामिल मिनिमम मैक्सिमम आप लोग जितना शेयर करके अपने स्कूल के मित्रों को बुला सकते हो जहाँ आप पढ़ते हैं कोचिंग क्लासेज के फ्रेंड्स को बुला सकते हो उससे क्या हुआ कि आपका जान पहचान का रहेगा तो आपको कंपटीशन करने में ज़्यादा अच्छा लगेगा जैसे मान लीजिए कि आपका फाइव ग्रुप है फाइव फ्रेंड्स है तो कॉमेंट बॉक्स में सब अपना कमेंट करेंगे तो इससे आपका पांच लोग आपके बारे में तो जान रहे हैं ना कि इस इसका ये नाम है तो वो जब नेक्स्ट क्यूज में आपका नाम रिवील होगा कि आपने ज़्यादा मार्क्स सही किए हैं तो आपको अपने अंदर खुशी मिलेगी और उससे क्या होगा कि आपकी पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ेगा और एक इंटरेस्ट आएगा इंटरेस्ट से ही पढ़ाई होती है ठीक है तो बस क्यूज के जरिए एक इंटरेस्ट पैदा करना चाह रहा हूँ ठीक है तो बस आप लोग अगर साथ रहेंगे तो क्यू जो है वो कंटिन्यू एग्जाम तक चलेगी डेली शाम के छह बजे टाइम चेंज नहीं होगा ठीक है नेक्स्ट है में कितने पीओ बंधन एवं इलेक्ट्रॉन का निर्जन जोड़ी क्रमशः है तो फिफ्टीन का राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी हाउ मेनी पीओ बॉन्ड्स एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली आर प्रेजेंट इन पी फोर नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन अनुचुंबकीय नहीं है टिक एमंग विच इज नॉट पैरा मैग्नेटिक अमंग नेक्स्ट क्वेश्चन है जल धातु विधि द्वारा धातु का निष्कर्षण आधारित है प्रोसेस ऑफ है? of ऑफ of is इज बेस्ड ऑन राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेवनटीन का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन का राइट right आंसर हो जाएगा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जटिल यौगिक बनाकर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। एफीसीओ 5 में प्रसंकरण क्या है? The hybridisation in एफीसीओ 5 is। तो राइट right आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट right आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक ग्राम धातु आयन इलेक्ट्रॉन द्वारा डिस्चार्ज होता है, तो धातु का परमाणु भार क्या होगा धातु का परमाणु भार क्या होगा? वट वा इज तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि हाइड्रोजन गैस का दब एक वायुमंडलीय दाब से बढ़ाकर ध्यान दीजिए क्यूज में आप लोग सोच रहे होंगे कौन सा सब्जेक्ट से क्यूज होगा तो आज शाम का जो क्यूज होगा वो केमिस्ट्री से ही होगा और क्वेश्चन आउट सीरीज से ही क्लास जो क्वेश्चन है वो मैं दूंगा वहाँ पे यदि हाइड्रोजन गैस का दाब एक वायुमंडलीय दाब से बढ़ाकर सौ वायुमंडलीय दाब यहाँ पर कर दिया जाए ठीक है कर दिया जाए तो हाइड्रोजन अर्धसेल का उपकरण विभव में परिवर्तन पच्चीस डिग्री सी पे कितना होगा If the pressure of H2 gas increased from 1 atm to 100 atm, keeping H plus ion concentration at 1 m, the change in reduction potential of hydrogen half cell at 25 degrees Celsius will be. तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये ये सी नहीं है ए है ठीक है ऑप्शन तो नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन प्रतिक्रिया के प्रथम कोटि में किसी प्रतिकारक का सांद्रण जीरो पॉइंट एट एम से जीरो पॉइंट फोर एम में होने में पंद्रह मिनट लगता है प्रतिक्रिया में प्रतिकारक का सांद्रण जीरो पॉइंट वन एम से ज़ीरो पॉइंट जीरो जीरो

एजीबीजी बी जी के सुन प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करता है ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर एच सी पी विभाज क्या होता है इन एच सी पी स्ट्रक्चर राइट आंसर क्या होगा ट्वेंटी थ्री का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी जीरो पॉइंट सेवन फोर नेक्स्ट है किस रवा में बिंदु डिफेक्ट

फ्रेंडलिस आइसोथर्म क्या है आइसोथर्म क्या है द आइसोथर्म इज तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ दीज यानी ए बी सी तीनों आपका सही है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है थ्री सेवन ठीक है तीन सौ तिहत्तर केलबिन न्यून पर ग्लूकोज के तनु घोल का बासुदा साढ़े सात सौ mm एम एम है तो घुल का अनुप्रभाज क्या होगा द वेपर प्रेशर ऑफ डी सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज सेवन फाइव जीरो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी यानी वन बाई सेवनटी सिक्स वन बाई सेवेंटी सिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में निम्नलिखित में कौन कॉलगेटिव गुण नहीं है तो इसका राइट आंसर होगा तो इज नॉट द प्रॉपर्टी राइट आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी ठीक है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तो मिलते हैं आज शाम छह बजे की लाइव क्यूज, क्यूज क्लास में और उम्मीद करेंगे आप लोग जो है वहां पर कम से कम सौ की संख्या में आए ठीक है अब आप सौ बोले हैं तो आप लोग कितना लेकर आते हो वो आप पे डिपेंड करता है तो आज शाम छः बजे जरूर से ज़रूर आएँ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें सभी क्वेश्चन आउट सीरीज की क्लासेज के वीडियो के याद करें मेहनत करें एग्ज़ाम आपका फेवरी में हो या मार्च में हो मेहनत कीजिए एग्ज़ाम में पास होना ही मेन मकसद होता है मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो